गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं जोया से MDA, जो यहाँ का बहुत फेमस पार्क है, हर्बल पार्क। और हो सकता है हम बीच में राउंड टेल के ऑफिस भी जा सकते हैं। तो ये रही हमारी टीम। तो आप चलते हैं आज। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहे। इतनी खुशी मुझे आज तक। अच्छा तो फिलहाल तो हम NS24 पर हैं, और ये रहे मोहसिन भाई, ये पवन भाई, और अभी ऑन द वे पर हैं। तो वहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैसे चीज़ें होती हैं, तो आपको वहाँ पर एक्सप्लोर कराएंगे थोड़ा बहुत। तो आप इस लोग में एंड तक जुड़ते रहना और देखना। ये देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, रेड वाला बटन दबा दियो। छोटी बच्ची हो क्या गाइस? इतनी बकवास कर रहा है, इतनी देर में तुम सब्सक्राइब कर लोगे। I'm confused. Internet's gone low, so time is through. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head, getting stuck to. Am I safe for walking out on us? Oh, or am I losing time? हमारा एक दोस्त पढ़ता था, मैं उसके पास ही आए। बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको भी एडमिशन लेना होता है इसी में कराएं जल्दी से जल्दी। माइक ला लो भाई, हम आगे निकल चुके हैं। अब देखिए पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ओवर एक्ट रत्ना के पास 50 रुपए काटो इसके ओवर एक्टिंग के। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। पैसे निकालो आप शांति से, अब क्या खिचेड़नी पड़ेगी, रोक ली बेचारे ने। तो गाइस अभी देखेंगे, चेक करके कि पेट्रोल सच में खत्म हुआ है, फिर ऐसे ही रुक गई है। चेक करिए भाई, जरा नीचे करके देख थोड़ा। पवन भाई को सुनाइए इनको कि इनकी कार को क्या सुनाया जाए। इतना मैंने पहले ही बोला था रास्ते में पेट्रोल डलवाए, रात भी बात हुई थी शायद कि डलवा लेना। 30 रुपए का पेट्रोल डलवाया था भाई, ले गया भाई को बताओ, मतलब इतनी दूर जा रहे हैं, 30 रुपए का डलवाया, भले आ जाते हैं पता ना कहाँ कहाँ से। अब डलवाना पड़ेगा, देखो पीछे आगे थोड़ी दूर है पेट्रोल पम्प, वहाँ डलवाएंगे हम। छोड़ दो साले को भाई, भाई रह तू भाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत हमारे यहाँ देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। पेट्रोल तो हमारा खत्म हो चुका है, और हमारे साथ के भी वही कह रहे हैं पेट्रोल को डलवा। ओ भाई, पेट्रोल ना डलवाने का नतीजा। चल चल आगे चल, तो परेशान हुआ हमें भी लेके हुआ। पेट्रोल खत्म हो चुका है यार, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, 5-5 रुपए पड़े हैं। मैं पेटीएम नंबर दे रहा हूँ, उस पर पैसे सेंड कर दो यार। राशन भी ना मिला दो हफ्तों से, वो तो वैसे ही गरीब है। मैंने बेटा बहुत तो क्या कहना चाहते हो तुम? हम ये कहना चाहते हैं कि करे कोई भरे कोई वो वाली चीज़ होगी,
स्कूटी आ गई है पेट्रोल पंप पे पास में ही था, मजे की बात ये है। अब देखो तुम्हारी स्कूटी कुछ ज्यादा तेज नहीं चलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई पेट्रोल डल चुका है, हम चलते हैं एमडी पार्क की ओर। डल चुका है, चंदा कर करके हमने पेट्रोल डलवाया है आपस में। तो बाजी भाई अब स्कूटी पे से पीछे हो जाओ तुम। चलो भाई चलाओ। अच्छा सेटिंग से बात करते हुए ये चलो दिखाता हूँ अभी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। Am I safe for walking out on a holiday agency? ये holiday agency 5 star, 5 star है ये, आने वाले टाइम में 7 star भी हो सकता है। अरे यार कुछ भी। तो हेलो एवरीवन, तो हम क्या कहते हैं होलीडे के बाद हमारा क्या हुआ कि राउंड टू हेल है ना, मतलब काफ़ी वो हमारे नज़दीक ही रहते हैं काफ़ी, तो हमने सोचा उनसे भी मिला जाए, उनका ऑफिस है यहाँ पर तो करीब बस पास में यही है। देखिए आपने यहाँ पर वीडियो भी देखी होंगी, इस रोड पर डम ब्लाइंड एंड डीप वाली वो इधर ही भागते हैं ऐसे, बिल्कुल यही रोड है। तो हम भी उन्हीं के पास जा रहे हैं, अगर मिलना हुआ तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ की सारी चीज़ें। Let's go inside. See you.
तो वी आर गोइंग इनसाइड, देखते हैं आगे अंदर के, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ एक्सप्लोर करा के। पर एक्सप्लोर कराएंगे जो जो खास, वैसे तो काफ़ी बड़ा है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी वही आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर। सबसे तो फोटो शूट वगैरह करेंगे, देखिए इधर थोड़े इंग्लिश झाड़ दे, इंग्लिश जबरदस्त से थोड़ी झाड़ी जाती है। चलो भाई देखो, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, और अच्छी जगह काफ़ी। खींच गया तेरा फोटो, अबे मुझे तो दिखा दे, मैं भी हूँ। ठीक है समरिया। हाँ भाई पवन भाई कुछ बताओ यार यहाँ के बारे में। मोहसिन भाई क्या बता, मैं यहाँ कपल को देख देख के फोन कर लिया भाई। सिंगल ना बेचारे, मैं भी सिंगल हूँ, खैर ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी जल रही है, इनकी सुलग रही है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पाओगे तो आपको मेरे छपरे ही मिलेंगे। देखो अभी दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे दिखा सकते हैं वासिफ भाई, दिखाओ भाई। यहाँ इतनी भीड़ रहती है, बोल कल मैं जा रही हूँ यहाँ से। काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर, फैमिली वगैरह आते हैं, अपनी फैमिली अपने बच्चे लेकर अपना। काफ़ी अच्छी जगह पिकनिक टाइप की है, तो आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जगह है वैसे तो। देखो ये रहा मिक्की माउस वगैरह, मदीना कैंटीन के नाम से, देखिए ये है पीछे मदीना कैंटीन। और यहाँ पर मतलब खाना पीना हो जाएगा, मतलब जैसे और पिकनिक आप घर से भी लाना भूल गए जैसे, तो यहाँ से खा सकते हैं लेकर। काफ़ी बढ़िया है जैसे एक्सपीरियंस करके। अरे एक मिनट, और इधर बच्चों के लिए अम्यूजमेंट मतलब एक तरीके का। एक मिनट तो भाई, चश्मा मैंने आप पहन लिया है इनसे लेकर, चश्मा बहुत महंगा है क्योंकि हम सब ले नहीं सकते इसकी कीमत। अरे यार अलग अलग पहन रहे हैं, तो हमको आप आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा एमडीए का नजारा। देखो एक दोस्त हमारा वहाँ पर बैठा है, और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर मिक्की माउस टाइप हो गया, और मतलब बच्चों के लिए बहुत बढ़िया जगह है, और पवन भी यहाँ बैठा है, ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो गाना बज रहा है पवन का शोर, और पवन ये बैठा है, दिखाओ पवन को। ये देखिए ये मेरा, ये है पवन, पवन का शोर, ये रहे दोनों। मैं तो भाई थक चुका हूँ यार, थक गए बेचारे, स्टैमिना ख़त्म हो गया आजकल के लड़कों में, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मोहसिन भाई क्या कहना चाह रहे हो, बोलो यार तुम। एक मिनट एक मिनट, तो अभी हम जो है थोड़ी देर में क्या बोल रहे हैं उनसे, क्या है झूले हैं क्या, चश्मा तो ये झूले जो हैं यहाँ पर, अमीन पे अभी झूला खा कर काफ़ी बच्चे यहाँ पर मतलब फन करते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है। दिस इज अ वेरी स्मार्ट प्लेस। क्या बढ़िया था गुरु, नो नो रुक दो, देखिए फैमिली दिखाता हूँ आपको कितनी है, और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है इतनी, मतलब अपने घरों में आप कहाँ होती है इतनी ज़्यादा पेड़ पौधे, काफ़ी अच्छी जगह है ऑक्सीजन वाइज में, बढ़िया है बिल्कुल। ये रहे दोनों, अब क्या करना है भाई, अब भाई यहाँ कुछ खाना पीना है, कुछ क्या करना है बताओ। आई एम वेरी, ये लड़की ताड़ना आए हो यहाँ पर, गंदे काम करना आए ना, तो करता नहीं है सब काम। तो गाइस अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पर काफ़ी हो गया घूमने फिरना, अब यहाँ से जाने के बाद हम शायद राउंड 12 के ऑफिस में जाएं, वहाँ पर उनसे मुलाकात होगी, हुई तो आपको दिखा देंगे, वरना तो अपना चले जाएंगे। सुबह 10 बजे का है वो, एक तरह बैठा फिर लेटा फिर बैठा फिर बाहर भी बैठा फिर, ठीक है तो बाहर मिलते हैं भाई। अच्छा आ रहा है भाई, तो एक साइड यहाँ पर है, यहाँ पर काफ़ी मतलब छाव रहती है, धूप वगैरह से बच सकते हैं यहाँ पर, कपल्स वगैरह जाते हैं, हमें नहीं पता कपल्स के बारे में। सिंगल आदमी है कंबल। तो गाइस अब दिखा दिया आपको हलवर पार्क, काफ़ी इतना ही है, और मतलब इसी तरीके की सारी जगह है, सारी चीज़ें हैं।
स्टॉप करते हैं। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि हमने आपको बताया हम हर्बल पार्क में तो हम यहाँ जो है बहुत सारा घूमे, हमने देखा कुछ यहाँ पर, हम इस टाइम लास्ट पॉइंट पर जाने वाले हैं हर्बल पार्क के। तो हमारा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खोल रहा है कुछ कंबल और कपल को देखकर। तो ये क्यों खून खोल रहा है पवन भाई से पूछते हैं। पवन भाई बताइए आपका इस बारे में क्या विचार है? दर्द, पीड़ा, कष्ट, सिंगल आदमी होगी हमें तो हम यहाँ जैसे ये गाय जिंदा छिनाले चल लिया है। ये हर्बल पार्क की जगह हम हर्बल पार्क इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ कदम कदम पर स्टेप बाय स्टेप बैल मिल रहे हैं, वो भी जोड़ी के साथ, एक के साथ एक बैल फ्री यहाँ पर टहल रहा है कहीं भी। समझ गए होगे आप सुबह 10 बजे का है वो। एक तरह बैठा फिर लेटा फिर बैठा फिर बाहर भी बैठा फिर